अब दोस्तों बारी है पिजन्स के बच्चों की। अब हम पिजन्स के बच्चों को जब स्विमिंग कराएंगे, ये देखिएगा ये बैठ गया इसमें, ठीक है, और अब ये यहाँ पे तैरेगा। ग्लू की जगह अंडू के ऊपर बैठी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ तो चलो 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 आ जाओ यार, हमारे ओए यार निकल गई, इंसान पकड़ना था यार इसको। भाई ये नहीं पकड़ी जाती, दो आई हुई थी, एक पहले निकल गई है और एक इधर ही थी और वो भी निकल गई हमसे। ये आती रहती है क्योंकि यहाँ पर फिंचेस है ना हमारी, और आ गई है। भाई इसको नहीं निकलने देना, चिड़िया को, ये बैठी है भाई, ये ऊपर आती रहती है, बाहर भी है दो तीन बार। भाई ये बाहर आती थी, इधर तो नहीं आती थी, आज पहली बार अंदर आ रही है ये। अब आप उठाओ, मैं इसको कैच करूंगा। यार मेरे हाथ को लगी है वो चली गई यार उस साइड पे, लेकिन थोड़ी सी बच गई है बस, मेरी फिंगर को टच हुई है और भाग गई है वहां से। हाँ फिंचेस की आवाज की वजह से आती है, फिंचेस जब बोलती है ना तो ये समझती है हमारी चिड़िया बोल रही है, इस वजह से इधर आ जाती है। और दोस्तों हमारी जो ग्योना फॉल है ना वो कुड़क हो गई है। बाकी यार अंसर भाई यार एक डेढ़ घंटा बैठती फिर उठ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये कल से बैठी है, कल से बैठी है, सारा बैठी रही, रात सारी बैठी रही और अभी भी बैठी है। अच्छा यार ये तो गुड हो गया, मैं शाम तक देखूंगा अगर बैठेगी तो यकीन करूंगा। बैठी हुई है भाई, मैंने तसल्ली की है। अच्छा हाँ तो यार ये तो गुड हो गया, फिर इसके नीचे अंडे भी वैसे रखे हुए हैं और ये देखिएगा गुस्सा भी करेगी, गुस्सा भी कर रही है ये, और मुझे लगता है अब वाकई ये कुड़क हो गई है। ओह भाई कुछ नहीं कहता मैं आपको, चला पता ना। हाँ बाकी बाकी यार कुड़क हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार अभी एक भाई की कॉल आई कि आपकी डैम और ग्लोबी ने वो विलेज से बहुत दूर गए हुए हैं और मुझे लगता है सर भाई फिर वो अंडे देने गई है। अंडे भी हो सकते हैं और फिर जरूरी यह है कि उसको वापस ले आते हैं। हाँ यार गीदड़ कोई कुत्ता कोई कोई चीज उठाना ले, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों दुआ करें, मैं तो कहता हूँ अंडे देने गई हो उसकी जगह, हम देख लेना जहाँ पे अंडे दे रही है फिर जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि यार इधर तुम अंडे देती नहीं है, मुझे लगता है उधर अंडे ही दे रही होगी। भाई ने यही वाली जगह बताई कि आपके डैम ग्लू इधर ही फिर रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे कि वो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। आप मैं तो कहता हूँ सारे आ जाओ यार, फैल जाओ फिर शायद हमें मिलेंगे। हाँ लेकिन ढूंढने ऐसा ऐसा पड़ेंगे, क्या पता ग्लू भी जो अंडू के ऊपर बैठी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ तो चलो 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 आ जाओ, फैल जाओ भाई फैल जाओ, सारे हर जगह पे फैल जाओ यार। किधर जा सकते हैं भाई, छुप गए हैं क्या कहीं पे, मुझे लगता है ग्लू भी हो सकता है यार अंडे दे रही हो। कहाँ पे, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आप लोग वापस आ जाओ। डैम है, ग्लू भी नहीं है, ग्लू भी नहीं है, इसका मतलब ग्लू की जो है अंडू के ऊपर बैठी होगी। वापस आ जाओ, आप सारे वापस आ जाओ। भाई कह रहे हैं ग्लू भी नजर नहीं आ रही, डैम इधर ही फिर रहा है और मुझे लगता है ग्लू भी जहाँ पे भी होगी ना अंडे दे रही होगी, ये तो कंफर्म मुझे लगता है ऐसे ही होगा। दोनों है, दोनों है, दोनों है भाई। हाँ देखे, हाँ चलो 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 चलो, देखो सारा घास जो तबाह कर दिया इन्होंने। देखो कोई है अंडा वगैरह, कुछ भी नहीं है क्या यार, देखो इधर ही होंगे, ये क्या बात हुई यार, यहाँ पे होने चाहिए क्योंकि देखा है आपने ग्लू भी इधर ही बैठी हुई थी। अभी ना आया हूँ इस साइड पे, अभी आए होंगे साइड पे ना होंगे। भाई फिर इनकी जगह कैसे ढूंढेंगे आंसर भाई, हमें तो नहीं पता ये कहाँ पे अंडे दे रही है। तो दोस्तों हमें डायमंड ग्लूवी के अंडे तो नहीं मिले, लेकिन हम इनको जो है ना वापस लेके जा रहे हैं अभी। चलो जी चलो 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 चलो। तो यार डैम ग्लूवी को हम लेके आए और वो अभी बाहर ही फिर रहे हैं। और भाई ये किसने अंडा दे दिया यार यहाँ पे, ये लकी कबूतर ब्लैक वाला जो है हमारा, ब्लैक वाला दे दिया उसने अंडा। ओ भाई साहब यार बड़ी मुद्दों बाद इसने पहला अंडा दिया है, वो भी तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसका ये पहला एग है, और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अच्छा किया तुमने यार। कल हमने डक्स के बच्चों को स्विमिंग कराई है, बिल्कुल मैं कहता हूँ आज पिजन हमारे हो गए और हमारी मुर्गी के बच्चे। हाँ। आज उनको स्विमिंग कराएं यार, वो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करते, नहीं करते के बच्चे यार, मुर्गी के बच्चे करते हैं, छोटा परिंदा मेरे ख्याल में जो भी है ना वो स्विमिंग करता है। ये भी हो सकता है, ऐसे तो फिर कबूतर के बच्चे भी करेंगे, लेकिन कबूतर के बच्चे छोटे हैं। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है आपको, आज मैं कबूतर के बच्चे भी स्विमिंग करते हुए दिखलाऊंगा। किस तरह वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी वो सारे इंतजाम करते हैं फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कबूतर का बच्चा जो वो कैसे स्विमिंग करता है आज। अच्छा हाँ आज वो पानी पर छोड़ दो भाई, पानी अरेंज करते हैं और वो टॉप अरेंज करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और सब कुछ जो है वो करते हैं आज। यहाँ पे ले आओ, हाँ ले आओ जल्दी जल्दी ले आओ। तो दोस्तों आपने सुन लिया, आज हम कुछ अनोखा करने वाले, तो देखते हैं कि क्या हम उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते, तो अभी पता चल जाता है। इधर रख दो भाई, छाव में रख दे, छाव में फॉलो कर ले। हाँ भाई मैं चलता हूँ ना आपके साथ। हाँ चलो और ले आते हैं, आ जाओ चलो। गंजी के बच्चे कहाँ गए पता नहीं यार, गंजी भी ढूंढनी है हमें, वो तो बाहर फिर रही है, उसको भी ढूंढते हैं और उसके बच्चे भी ढूंढते हैं, और पिजन्स भी हमने पकड़ने हैं, उनके बच्चे भी पकड़ने हैं, उनको भी स्विमिंग कराना है हमने। चलो भाई आ गए, गंजी मुर्गी के बच्चे ले आए हम और गंजी मुर्गी को भी ले आए हम, गंजी मुर्गी के सारे बच्चे हम लेके आ गए। कुछ बच्चे भाइयों के पास और 4 बच्चे जो इस केज में है, तो भाई छोड़ो पहले इनको। ओ यार ये तो निकल के चले गए, ओए 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 भाई
यार ये क्या कर रहे हैं, सारे कपड़े खराब कर दिए हमारे यार। स्विमिंग करनी है आप लोगों ने और आप भाग रहे हो। ओह ये क्या हो गया इनके साथ। और ये देखिए हाँ अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। गर्मी भी है और आज धूप भी तेज निकली हुई है और अब ये इंजॉय करेंगे। ये देखिए यार पानी के अंदर नहा रहे हैं ये। हाँ बाहर आने दो भाई, इनको बाहर आने दो, बाहर आने दो। आज आज भाई बाहर आ ना, क्या हो गया मुझे बोलते मजा आ गया इनको, ठंडा लग गया ना, ठंडा ठंडा सा। अब ये खुश हो गए हैं यहाँ पे। वही 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 वही। ये भी गया यार, ये ठहर नहीं रहे यार। हमने सोचा था कि यार ये नहाएंगे, ये तो निकल के जा रहे हैं। हाँ छोड़ दो। ओ भाई ओ भाई, ये भी गया, बाकी दो बचते हैं। ये भी गया, आखिरी बचता है यार। इसको थोड़ा समझाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखे भाई, हाँ ये देखो अब गया, वो चला गया। ये भी गया भाई, यार ये सारे निकल के चले गए। यार मैं समझ रहा था कि ये डक के बच्चों की तरह स्विमिंग करेंगे, लेकिन यार ये तो भाग गए। ये क्या हो गया भाई? अच्छा आप आपने मुझे बताना था कुछ। किस चीज का? वो आपने कबूतर के। हाँ तो अब दोस्तों बारी है पिजन्स के बच्चों की। अब हम पिजन्स के बच्चों को जब स्विमिंग कराएंगे। ये सामान भाई रेडी हो, चलो आ जाओ, आज देखते हैं कि किस तरह मैं ट्रैक की जगह लगाऊंगा, देखिएगा। तो अभी हम, ओए यार क्यों मार रहे हैं तू, पकड़ो सोफान भाई पकड़ो। तो अभी दोस्तों हम रेड बॉल के बच्चों को जो है स्विमिंग कराने वाले हैं। आ जाओ भाई, आओगे तो मैं बताता हूँ आपको। आप तो आ जाओ, देखिएगा दोस्तों ये आज किस तरह स्विमिंग करते हैं। आ जाओ भाई, ये पकड़ो आप, मुझे समझ हाँ, में नहीं आ रहा। तो आप उधर लेके चलो और मैं दोस्तों अभी उठाने वाला हूँ ये टोकरियाँ। अभी ये रखेंगे ना, ये टोकरियाँ पानी में रखेंगे और ये फिर इसके ऊपर तैरेंगे ये। एक मिनट भाई, नहीं भाई डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगी। अच्छा ये देखिएगा, ये बैठ गया इसमें, ठीक है, और अब ये यहाँ पे तैरेगा। मैं कहता हूँ डूब जाएगा। ओए यार ये दुआ की डूब रहा है यार, ये तो डूब रहा है। हाँ तो डूब ही जाएगा ना भाई, उसका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है, हाँ वजन ज्यादा है। कोई और चीज लेके आते हैं सर भाई। हाँ प्लास्टिक क्यों, अब इसको टपके के अंदर बिठा के। नहीं भाई ऐसे कैसे, मैं और चीज लेके आता हूँ, ले आओ बस भाई। हाँ हाँ भाई, हाँ मिल गई, कश्ती पर आके ले आया हूँ मैं। अच्छा अब देखना किस तरह तैरते हैं ये। हाँ अब इसमें तैरेंगे, इसमें तैरेंगे, इसमें आप देखते हैं पहले एक को तैरेंगे, अगर एक तैर गया हाँ। तो दूसरा भी इसके साथ बिठाऊंगा मैं। चलो ठीक है हाँ, बिठाओ, देखते हैं कि कामयाब होते हैं कि नहीं होते। 1 2 3 गो। बिल्कुल कामयाब हो गए, बिल्कुल कामयाब हो गए। और आप मजे के साथ स्विमिंग करेगा, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जा रहा है ये। देखो दूसरा इसके साथ बिठाओ, ये डूब जाएगा, देखते हैं। अभी एक को मजा लेने दो भाई, दूसरा फिर बिठाएंगे ना। चलो हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखे भाई ठंडा ठंडा इसको फील हो रहा है अब। हाँ अब बिठाने वाले हम दूसरा, बिठाओ बिठा दूं भाई, बिठाओ बिठाओ बिठा दूं। मेरे ख्याल में डूब जाएगा। नहीं भाई नहीं डूबेगा, कश्ती पे वजन ज्यादा आ जाएगा। नहीं भाई कश्ती, एक कश्ती नहीं है भाई वो वाली। ओए 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 सुभान भाई, जरा कश्ती उठाओ आप। अभी हमने दोनों बिठा दिए, हाँ तो अभी होगा मेन टेस्टिंग का। ये भी माशाल्लाह बिल्कुल कामयाब, बिल्कुल कामयाब, बिल्कुल। हाँ इन को झूला झूला देते हैं, हाँ फिर देखते हैं ये। हाँ जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल फिट है, अब इनको मजा आएगा मेरे ख्याल में। अब क्या करेंगे अदर भाई, इनको इसी तरह घुमाएंगे। अच्छा हाँ देखो जी, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। आराम से आराम से आराम से आराम से पानी चला जाएगा, वरना मुर्गी के बच्चे अंदर पर शैतान है ना, वरना उनको भी बिठाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो यहीं से जंप लगा के निकल जाते हैं। जंप लगा जाते हैं, बड़े तेज होते हैं ये, फिट बैठे हैं माशाल्लाह। तो यार रेड बुल कबूतर के बच्चे अब सूख चुके हैं, अब देखो। हाँ जी मजा आया कि नहीं आया भाई, जरा ले आओ इनको, ये इधर करो ना, इसको आप पकड़ो, इसको आप पकड़ो और दूसरा मैं लेके आता हूँ। हाँ ये वाला भी पकड़ लिया, आ जाओ भाई आ जाओ। अब इसको दोस्तों वापस छोड़ देते हैं उसी हाउस में, ये वाला इनका हाउस है। और आप इधर आ जाओ, चले जाओ अंदर, चले जाओ खुद ब खुद जाओ ना यार, अब इतने भी बच्चे नहीं हो आप। हाँ ये हो गया गुड, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने इनको स्विमिंग जो करा दी है, आपने देखी होगी, उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो यार हमें तो बहुत मजा आया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं, उम्मीद है कि आज का हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल अपना ध्यान जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।